CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम एक मटर का दाना। आलेख मधुबी जोशी का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक था, नहीं नहीं राजा नहीं, एक था मटर का दाना। ये मटर का दाना मटर की बेल पर एक फली में बंद था, बाहर निकलने को बेचैन। एक दिन मटर की फली चटखी और लो मटर का दाना लुढ़कता हुआ चल दिया दुनिया को देखने। लुढ़कते मटर का दाना चला जा रहा था अपनी राह। तभी उसे एक मरियल सी लोमड़ी ने रोक लिया और अपने लंबे पैने दांत दिखाकर बोली, ढूंढ रही थी बासी रोटी, मैं तो रूखी सूखी। ढूंढ रही थी बासी रोटी, मैं तो रूखी सूखी, लेकिन तू भी बुरा नहीं है। लेकिन तू भी बुरा नहीं है, अब न रहूंगी भूखी। बेचारे मटर के दाने की तो जान ही निकल गई। कहां वो दुनिया भर में घूमने को निकला था और यहां तो लोमड़ी उसे फौरन खा जाने को तैयार थी। वो गिड़गिड़ा कर बोला, अभी छोड़ दो मुझको मौसी, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खाना। मगर लोमड़ी भी कम नहीं थी, गुर्रा कर बोली, बस बस, अरे कल के लिए कौन रुक रहा है, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी। मटर का दाना था बड़ा चालाक। मटर के दाने ने एक छोटा सा कंकर लोमड़ी के मुंह में जोर से फेंका और खुद लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ निकल भागा। मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना, लुढ़क पुढ़क है चाल, सैर करूं मैं दुनिया भर की, चोर मटर की दाल। अलबेला में मटर और अलबेली मेरी शान, कंकर लोमड़िया के मुंह में बच गई मेरी जान। मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना। यूं ही गाता लुढ़कता फिसलता मटर का दाना पहुंचा एक नदी के किनारे। अब भाई मुश्किल ये हुई
कि छबीला मटर का दाना नदी कैसे पार करे। नदी थी गहरी और मटर का दाना था नन्हा। काम कैसे बने अब? जानते हो मटर के दाने ने क्या किया? वो नदी के किनारे खड़ा हो गया और जोर से बोला, ओ नदी में रहने वाले कछुओं, राजा के आदेश से मैं राज्य की सभी नदियों में रहने वाले कछुओं की गिनती करने निकला हूँ। तुम सभी कतार बनाकर नदी में खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें ठीक से गिन सकूं। हाँ, बस आप बिना हिले डुले खड़े रहो। लो, मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4। पच्चीस, चालीस, 60, 80, 90, 100। और इस तरह टपक 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 करके कछुओं के ऊपर से टाप टाप कर मटर के दाने ने मजे से नदी पार कर ली और फिर गाने लगा। मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना, कैसा मैं होशियार, बना के बुद्धू कछुओं को मैं आया नदिया पार। मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना। लुढ़क पुड़क लुढ़क पुड़क लुढ़कता पुड़कता मटर का दाना आगे चलता गया और चलता चलता पहुंचा एक गांव में। उस गांव के लोग बड़े परेशान थे। हुआ ये कि इस गांव में सब लोग एक से बढ़कर एक मूर्ख थे। रात को गांव से होकर एक हाथी गुजरा था और जगह जगह उसके पांवों के निशान पड़े थे। अब लोग ये सोच रहे थे कि ये निशान कैसे हैं? हाथी तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, सो वो सोच भी कैसे सकते हैं? मटर का दाना उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने लोगों को बताया, ये तो हाथी के पैरों के निशान हैं। गांव वाले लगे उसका मजाक उड़ाने। लो सुनो जरा, ये हाथी के पैरों के निशान है। हो, हमारे चौधरी के बैलों के पांवों से भी बड़े भला किसी जानवर के पैर हो सकते हैं। मटर का दाना उनकी बातें सुनकर समझ गया कि ये मूर्ख अक्ल की बात नहीं समझने वाले, सो वो बोला, सुनो सुनो, अब समझा मैं कैसे पड़े निशान। मेरी बात सुनो तुम भाई, मत हो वो हैरान। कैसे पड़े निशान मैं बतलाऊं भाई, पैरों में चक्की बांध हिरना कूदा कोई। मटर के दाने की ऐसी बेवकूफी भरी बात सुनकर गांव वाले बड़े खुश हुए। मटर का दाना उनकी मूर्खता पर हंसता गाता हुआ आगे बढ़ गया। हा 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 हा, हो 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 हो, कैसे कूदे हिरन बांध पाओ पर चक्की, सोच न पाते मूर्ख ये तो पूरे छक्की। हा 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 हा, हो 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 हो। लुढ़क पुड़क लुढ़क पुड़क लुढ़कता पुड़कता मटर का दाना अब पहुंचा एक बाग में। बाग में तरह तरह के फूल खिले थे और पंछी चहक रहे थे। ये सब देखकर मटर का दाना बड़ा खुश हुआ। वो लुढ़कता हुआ बाग में सैर करने लगा।
अचानक मटर के दाने को दो फूलों की बात करने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा और मेरा मुकाबला ही क्या? मैं हूँ सुंदर, खुशबूदार, लाल सुर्ख फूलों का राजा। और नाम देखो कैसा सुंदर है मेरा, गुलाब। और तुम जरा नाम ही देखो, कपास। खुशबू नहीं है तो क्या हुआ? सुंदर तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, देखो देखो। कपास का फूल और सुंदर। तब मटर के दाने ने गुलाब और कपास के फूलों को समझाया कि सिर्फ अपने रूप का घमंड ठीक नहीं, अगर हम दूसरों के काम न आ सके तो सब बेकार है। दोनों सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। मटर की बात सुनकर कपास और गुलाब दोनों चुप हो गए। सचमुच दोनों ने दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं किया था। और फिर मटर का दाना गीत गाता आगे बढ़ गया दुनिया की सैर को। लुढ़क है चाल, दुनिया भर में घूमूंगा मैं छोड़ मटर की दाल। मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना, लुढ़क पुढ़क है चाल, दुनिया भर में घूमूंगा मैं छोड़ मटर की दाल। मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला मटर का दाना, मैं अलबेला। अभी बच्चों हम तुमको सुनवा रहे थे कार्यक्रम एक मटर का दाना। हमें आशा है तुमने इसे जरूर पसंद किया होगा। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।